यहाँ से सारा सामान ले लिया है और हम भी रेडी हैं। आज एकदम बहुत ज़्यादा वाले कपड़े पहन लिए क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है और बाहर बारिश हुई है पूरी रात में। तो यहाँ पर ये पूरा सामान हमने बाइक पे लगा दिया है अभी। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है हानले की तरफ जाने का। तो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर है हानले और उसके लिए हमें लगभग 5 से 6 घंटे मिनिमम लगेंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं। ये था हमारा स्टे। नहीं, आप देख रहे हो पूरा रात भर बारिश हुई है। ये देखो सर, रजनीश जी फुल 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 ऑन तैयारी में। आज आज इन आज इनको बहुत एनर्जी की ज्यादा जरूरत एनर्जी लग रही है, इसलिए है। काफ़ी ज्यादा ले रहा हूँ। हाँ मैं केला खाया उस दिन, कल कहना नीरा से जहर होता है फ्रूट। आप डब्बी मजा से गलता नहीं, मजा से गलता खुद तेरे खा चुके भाई। मैं तो आप ये जहर मुझे दे दो, मैं पी लूंगा। सभी रेडी हैं और ये देखो यार कितना पानी बरसा रहा आपको। फ्लावर बड़े अच्छे हैं। और ये देखो हमारी बाइक्स पे बहुत ज्यादा सामान है क्योंकि 2 लोगों का सामान है और साथ में पिल्ले हैं। ना हर साल एक्सट्रीम हो ही जाता है। कुछ ना कुछ हो ही, कोई ना कोई लटक ही लेता आपके साथ। पहले तो मैं खुद लेके जाता था, हाँ ये भगवान ने सोचा साला अकेला क्यों जा रहा है। अब की बार वैसे चोपड़े को नीचे उतरवाओ पहले। हाँ ये सर मेरी गलती, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। आप जा रहे हो? ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच सर। वो सर मेरा घर दूध बनाने को बोल देते। 9:15 हो गए, 9:15 हो चुके हैं और 9:30 बजे तक निकलना है। वेदर बहुत जबरदस्त है आज, चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं। आज की राइड शुरू हो चुकी है और अभी हम हैं कारू पेट्रोल पंप पे और लगभग आधे घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। पेट्रोल फिल करा चुके हैं सभी ने, 10-10 लीटर पेट्रोल ले लिया और एक जो कैन है वो फट गई थी तो उसको हमने यहीं पे फेंक दिया। तो यहाँ पर सभी रेडी हैं और ऑलमोस्ट 5 घंटे और लगेंगे, देखते हैं बाकी रोड कंडीशन। तो यहाँ तो धूप है बट कुछ नहीं कह सकते आगे कैसा क्या सिचुएशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आगे। मैं 100 किलोमीटर कैसे आ गए वहां से? 50 किलोमीटर तो वही था क्या सर? मैंने ना गलती लग गई थी, 257 टोटल। उपशी से 203 है। मैं तो समझ गया। अच्छा हाँ, उपशी से 203 है। सो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर अप कर लिया हमने और 150 किलोमीटर है ना अभी तक, तो बढ़िया है। अभी सोनी साहब की बाइक गिर गई थी, एक्चुअली उनका बैग वहाँ गिरा और उसके बाद जब यहाँ से टर्न करने की कोशिश की, बिल्कुल स्लोप है, उस वजह से बाइक थोड़ी सी गिर गई और बाकी सब ठीक। कुछ नहीं, बस दर्द दर्द ऑन द रॉक्स है। मैं ऑन द रॉक्स में अंदर पानी पाना बेच यार। हाँ, दिस इज ऑन द रॉक्स एंड आई होप यू आर नॉट रिकॉर्डिंग ऑल दिस। मैं सब रिकॉर्ड। अब आप YouTube पे देखो। डोंट मेंशन माय नेम, आई एम नोबडी हियर। मिस्टर रमन विज जी है, रमन विज जी फ्रॉम लुधियाना। गाड़ी का नंबर है एंड 6 BT 7 नंबर एंड BK BMW
एंड टिकेट फैशन डिजाइनर ये डिजाइनर है ये मनीष को अगले साल मनीष को तरन आपा डिजाइन करेंगे कुछ ना कुछ बहुत ही शानदार रोड बनी हुई है। ऐसी रोड हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यार इतनी शानदार रोड होगी, और नज़ारे यार उससे भी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ये जो ब्लू रिवर बिल्कुल साथ साथ चल रही है, ऑलमोस्ट पिछले 50-60 किलोमीटर से ये रिवर जो है साथ साथ है, और बहुत ही क्लीन एंड बिल्कुल ब्लू है, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारे हैं यहाँ पे। और जो छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल जो ग्रीन वाले वो अलग ही दिखते हैं और बहुत ही शानदार लग रहे हैं। मतलब ऐसा दिल कर रहा है कि यार मतलब कहीं भी रुक जाओ और बार बार फोटोग्राफी वगैरह करते रहें, बट बहुत ही शानदार है यार। और बाइक्स 100+ चल रही है अभी। मैंने सुना था कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही अच्छा और डिफरेंट पार्ट है, बट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतना खूबसूरत, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वीडियो में वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बट जब आप एक्चुअल में देखेंगे यार, ये जो छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन गाँव, ब्लू रिवर यार अमेजिंग है, मतलब जितना तारीफ करो उतनी कम है। अभी तो दिखा रहा था जियो 4G, ये दिखा रहा था लेकिन चलता नहीं है। अभी हम चुमा तांग में हैं और यहाँ पर एक ये आर्मी कैंटीन है, तो चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुक गए। और सोनी साहब और रमन जी भी पीछे दिख नहीं रहे कहीं, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं उनकी यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो अगर नेटवर्क मिल जाता तो फिर शायद पता चल जाता कि कहाँ पर है वो। तिरंगा यात्रा अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और इनको हम मनाली में मिले थे और अभी यहाँ पर अमेजिंग हमारी ये धन्नो। लो जी फिर हो गया कांड साढ़े। मैं फोटो खींच द्रास वाली यहाँ आ गई। एडवेंचर फुल ऑन। यो 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 हनी सिंह एडवेंचर। हाँ मच्छर मच्छर डेंगू भी होएगा जरूर। लो सर आज पूरा एडवेंचर होना। जो बर्फ पै रही है देखो क्या बात है सर। बात थोड़ी देर तो ठीक है जब तक सर। मैनू एक गल दी बड़ा ठीक लग रहा, बड़ी सही जगह ते फसे हैं। हां ये साडी खुशकिस्मती है। हां सारे आर्मी एरिया थोड़ा सा होता ना ज्यादा तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होनी थी। क्यों वापस आ गए? ट्यूब रह गई मेरे को लगता है। ये क्या था? ये क्या था? एडिटिंग करूंगा। सो ये है लद्दाख, और लद्दाख जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस भी है, और बहुत सारे एडवेंचर होते हैं यहाँ पर। लगभग 250 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और बहुत ही शानदार रोड है। अभी तक 150 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। आगे का नहीं पता, थोड़ा बहुत पैच बीच में 10-15 किलोमीटर का ख़राब बताते हैं, बाकी सारा ही अच्छा है। और इस लद्दाख में जो आपको एडवेंचर्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप खुद से करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपके साथ हो जाती हैं, जैसे कि बाइक पंचर, आपको AMS हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस बार हमने लद्दाख में बहुत कुछ किया। सांस चढ़ जाती है, ये भी एक एडवेंचर है। सो यार हमारा जो टायर है वो पंचर लग के आ चुका है, बट अभी इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी ये डिसाइड किया है कि अभी इसको हम लगाते हैं, और यहीं आसपास कहीं पर चूमा थांग में आई थिंक यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम रुकेंगे। और जो टायर है वो हम लेह से मंगा लेंगे, तो कोई भी गाड़ी वहाँ से आएगी तो उससे हम लेह से वो टायर मंगा लेंगे। देखो यार टायर जो है बहुत ज़्यादा फट गया है, तो आगे जाना बहुत रिस्की है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है यार हवा बहुत तेज़ हो गई यहाँ पे, और ये जो टायर है ना, मतलब इसकी जो ब्रेक है उसको सेट करना बहुत मुश्किल है। दो बार हम इसको निकाल चुके हैं, और अभी वीडियो कॉल पे बात हुई जो मैकेनिक है, फिर देन उसने बताया कैसे क्या करना है। चलो अभी हो जाएगा फिर निकलते हैं यहाँ से।
अभी शाम के 6 बज चुके और हमने एक गेस्ट हाउस में मिल गया यहाँ पर, और आज रात को हम यहीं रुकेंगे और कल मॉर्निंग में फिर जैसे टायर वायर आ जाएगा उसको फिट विट करके फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि वैसे निकलना बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था। और ये जो भाई साहब हैं इन्होंने यार बहुत हेल्प की हमारी, तो इन्हीं की वजह से टायर भी हमारा आ रहा है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, ट्रैवल मोर ड्रीमर एंड फाइंड योर पर्पस। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और की वॉचिंग कैम जे आर के।